उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में आज सहारा इंडिया बैंक के सामने जमाकर्ताओं एवं एजेंटों ने अपने भुगतान को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन में सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने किया अपना प्रतिभाग। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने अपने खून पसीने मेहनत की कमाई जमा की, लेकिन वो आज दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं शाखा प्रबंधक ने मामले को सेबी कोर्ट में होने के कारण भुगतान न होने का हवाला दे लोगों को टरकाने का किया प्रयास। 1 लाख। क्या नाम है आपका? रानी। कब जमा किया था? कई साल पहले। मैच्योरिटी आपकी पूरा हो कितना? खाता पूरा हो कितना दिन हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? नहीं, पूरा भाई लगभग 2-3 साल होगा। 3 साल हो गए। मैनेजर के पास आते तो क्या कहते हैं वो लोग? बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं कहते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? काली दिल। कहाँ घर है आपका? भले गाँव। वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं भैया। क्या नाम है भाई साहब आपका? लाल बहादुर। क्या किस पद पर हैं आप यहाँ? कैशियर। क्या मामला है? ये लोग भुगतान के लिए आंदोलित हैं, क्या बात? इन लोगों का काफी समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए रोक लगी हुई है। लोगों का आरोप है कि भुगतान जो चाहते हैं वो आप लोग कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं। भुगतान अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ यहाँ से? नहीं, तो लोग तो बताते हैं कि कोई जनरल मैनेजर या क्या क्या बताया कि प्रयास हुआ है। और अगर हुआ है यहाँ से भुगतान तो फिर क्या क्या करोगे? अगर इसका भुगतान जिसका भी हुआ होगा तो हुआ होगा। यहाँ से कोई क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ से कोई फंड नहीं अभी तक है? अगर यहाँ से 2019 से मार्केट से कोई भी फंड नहीं आ रहा है, जमा होने का पैसा जमा नहीं हो रहा है, तो भुगतान ऊपर से क्यों आ रहा है? कोई एक पैसे की जमा नहीं। तो जैसे गरीबों का किसी का शादी है, किसी को घर बनाना है या किसी के खाने के लिए नहीं है, ये सब आप लोग विभागीय स्तर पर कोई बात नहीं करते? सबको मालूम है, यहाँ तक सरकार के पास लोगों ने ज्ञापन किया, या जी साहब के पास ज्ञापन किया, सबको मालूम है। भुगतान नहीं पा रहा। पिछले 22 मार्च से कृषि मंत्रालय द्वारा सारे काम पर रोक लगाई गई है, और जब पूरे ब्रांच की रिसीविंग ही नहीं आ रहा है तो भुगतान कहाँ से हो पाएगा? नहीं, जो हो रहा है भुगतान बता दे रहे हैं कि मुख्यालय स्तर से अपना सीधे उनके खाते में 1-2 का भुगतान हुआ है, सीधे मुख्यालय उनके खाते में। किसका हुआ जब हुआ तो बताइए, बोलिए ना उसको, अब नाम बताइए ना उसका, किसका भुगतान हुआ है? ये कोई दीक्षित जी है और एक चंद्रप्रकाश, उनका घर वगैरह जल गया है। खाताधारी का नाम बताइए। चंद्रप्रकाश नाम है। नहीं, खाताधारी का नाम बताइए जिसको आप भुगतान चंद्रप्रकाश को नहीं किया। अब उनका नहीं, उनकी पत्नी का नाम निकलवाइए, रिकॉर्ड आप बताइए। आप बताइए नाम कहा है? नहीं, हम क्यों बताएं? भुगतान आप कीजिए ना, आप बुलाइए हमारे ऑफिस स्टाफ से। लाल बाबू जी कहाँ है, बुलाइए। चंद्रप्रकाश की मिसेज नाम बताइए ना। उनके घर में आग वगैरह लग गया तो अपना समस्या मुख्यालय स्तर पे दिए हैं, और मुख्यालय स्तर से स्वीकृति होकर सीधे उनके खाते में पैसा गया है, तब से किसी का भुगतान नहीं। बहुत सी महिलाएं अभी यहाँ नीचे जो धरना प्रदर्शन में आई हुई थी, जो आपके विभाग के या आपके खिलाफ उग्र सी, उन लोगों का कहना है कि हमारा तैयारी को लेकर के हम लोग बेटी की शादी करना है, घर बनवाना है, बाढ़ आ गई, तमाम दिक्कतें हो गई, खाने पीने के लिए हम लोग परेशान हो गए। जो भी उनके द्वारा अप्लीकेशन, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे कोई भी समस्या है, हम उनके द्वारा आवेदन लेकर अपने वरिष्ठ कार्यालय को देते हैं, और वरिष्ठ कार्यालय अपने मुख्यालय स्तर पर भेजती है, क्योंकि इस समय सेवी के द्वारा सारा रोक लगा है, किसी का भुगतान ब्रांच स्तर से नहीं हो पा रहा। ये करीब 600 करोड़ रुपए से अधिक का जो हुआ, तो जमाकर्ताओं का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या दिक्कत आप लोगों को भी आ रही है? बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब वो आए दिन जो है लोग मारपीट करने के उत्तेजित हो रहे हैं, घर पे आकर के गाली गुप्ता भी देते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। हम लोगों का भी जो है पैसा 2 साल से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग भुखमरी के कगार के ऊपर हैं। लोगों का भुगतान पूरा हो गया है, पेमेंट नहीं होने की वजह से जो है लोग जो है उग रहे। पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? अब संस्था मजबूरी बता रही है। ऐसा भी सुनाई पड़ रहा है कि भुगतान लोगों का जिसको चाहते हैं उनको ये लोग कर दे रहे हैं, क्या सही है? हाँ, ये सुनने में तो आ रहा है कि जो सही है। तो जब सबका भुगतान कर दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का भुगतान कर दे रहे हैं, तो ये गरीब जनता का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा? यही तो समस्या है, इसीलिए तो आज हम पब्लिक दुखी हुई है।